हेलो नमस्कार दोस्तों, आपके यूट्यूब चैनल टारगेट विकास में आपका स्वागत है। यूपी पुलिस एसआई एसआई 2021 में जो आपका एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया था उसका रिजल्ट आउट हो चुका है। यहाँ पे हम आपको बताएंगे, कट ऑफ कैटेगरी वाइज एनालाइज कराएंगे कि जनरल ओबीसी एसटी एसटी के कितने कट ऑफ गई है, कौन कौन से छात्र क्वालिफाइड हैं और 2.5 गुना को डीवी और पीएसटी के लिए कॉल किया जाएगा। तो इसमें कौन कितने क्वेश्चन सही होने चाहिए ये पूरी डिटेल में बात की जाएगी। कब होगा आपका फिजिकल और डीवी, हाई कट ऑफ का कारण क्या है, इतनी हाई कट ऑफ क्यों गई है, और जो लोग रिजल्ट अभी तक नहीं चेक किए हैं, सर्वर प्रॉब्लम हो रही है, वो कौन सी साइट पे जाएं कि उनका रिजल्ट ओपन हो जाए। यहाँ पे पूरी डिटेल में हम बात करेंगे वीडियो के, बिना स्किप किए हुए वीडियो को देखिएगा और चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ये देखिए उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती प्रोनाइज बोर्ड 1/4/2022 यानी कि कल रात 10 बजे आपका रिजल्ट घोषित कर दिया गया। यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं, आप लोग किस साइट पे जाके चेक कर लेंगे, तो यहाँ पे लिखा है साइट www.uppbb.gov.in साइट, ये आप गूगल पे डालेंगे तो उससे आपका रिजल्ट ओपन होकर आ जाएगा, ठीक है। उससे पहले हम आपको यहाँ पे कट ऑफ एनालाइज करा देते हैं कि कट ऑफ कितनी गई है। तो यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश पुलिस उप निरीक्षक गोपनीय सत्कर्ता, मतलब एसआई की बात करते हैं, एसआई यहाँ पे एसआई की कट ऑफ कितनी गई है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं जनरल की, किसकी जनरल की बात करें, अनिरीक्षित मतलब जनरल की बात की जाए तो 313.1836 कट ऑफ गई है। कितनी गई है? 313.1836। और क्वेश्चन में देखा जाए कि कितने क्वेश्चन सही होने चाहिए, तो 125 जिसके क्वेश्चन सही हैं वो 125 क्वेश्चन सही हैं वो क्वालिफाइड है डीवी और पीएसटी के लिए। तो जनरल में बात की जाए तो 313.1836 गई है, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की गई है 254.8571 एंड भूतपूर्वी सैनिक की गई है 243.1020 गई है, महिला की गई है 295.3469। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग EWS के कट ऑफ गई है 301.1428, 400 में ये कट ऑफ गई है, 400 मार्क्स का पेपर था आपका, 400 में गई है कट ऑफ, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि EWS की ये कट ऑफ गई है। और OBC की बात की जाए, अन्य पिछड़ा वर्ग की बात की जाए, तो 302.3215 गई है। यहाँ पे आप डिफरेंस समझ सकते हैं, EWS और OBC में बस थोड़ा सा फर्क है, ठीक है। उसके बाद में बात की जाए कि स्वतंत्रता संग्रामी की में OBC की तो 192.5528 गई है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं अनुसूचित जात SC की बात की जाए तो 277.6052 कट ऑफ गई है। स्वतंत्रता सेनानी की बात की जाए तो 215.7765 गई है। और महिला की बात की जाए OBC SC में तो 250.3017 गई है। अनुसूचित जनजाति ST की बात की जाए तो 235.0612 कट ऑफ गई है, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं जनरल में अगर आपके 125 क्वेश्चन सही हैं तो आप क्वालिफाइड हैं, आप रेस करना स्टार्ट कर दें। यहाँ पे पूरी डिटेल में बात करेंगे फिजिकल होगा और कब होगा। यहाँ पे उससे पहले हम आपको मैंने दिखाया कि SI की कट ऑफ कितनी गई है, अब यहाँ पे हम डिटेल में बात करेंगे ASI की कट ऑफ कितनी गई है। तो ASI की आप लोग देख सकते हैं उत्तर प्रदेश पुलिस सहायक उप निरीक्षक लेखा की कट ऑफ आप लोग देख सकते हैं। तो जनरल में बात की जाए तो जनरल में गई है 303.1250, ठीक है। और स्वतंत्रता सेनानी से की बात की जाए तो 205.6321 गई है। और यहाँ पे महिला की बात की जाए तो 287.7063 गई है। आर्थिक रूप EWS की गई है 280.50599 गई है। OBC की बात की जाए, अन्य पिछड़ा वर्ग की बात की जाए 287.8215, SC की बात की जाए, अनुसूचित जाति की बात की जाए 260.3192 गई है। एंड अनुसूचित जनजाति SC की बात की जाए तो यहाँ पे 214.02
49 गई है। तो यहाँ पे आप लोगों ने एनालाइज किया कि एएसआई की कट ऑफ ये एनालाइज कर ली कि कितने क्वेश्चन सही होने चाहिए, देख सकते हैं कि इतने मार्क्स आने चाहिए थे, और आपने एसआई की मार्क्स देख ली तो एसआई की भी कट ऑफ आप लोग देख लिए। तो आप लोगों ने कट ऑफ देख लीजिए और अपना रेस करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि अभी आपका जल्द से जल्द आपका डीवी एनपीएसटी कंडक्ट करा लिया जाएगा, क्योंकि योगी जी ने बोला 3 महीने के अंदर सारे एग्ज़ाम कंप्लीट कराया जाए। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों ने जनरल में अगर आपके 125 क्वेश्चन सही हैं तो आप रेस करना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, और कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और जो लोग नहीं अभी तक चेक कर पाए वो लोग चेक कर लें। ये आपको साइट यहाँ पे दी गई www.uppbpb.gov.in पे, यहाँ पे साइट पे आप लोग चेक कर सकते हैं, फटाफट से आपका रिजल्ट ओपन होकर आ जाएगा, और सरकारी रिजल्ट.com पर भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो सभी लोग अपना अपना रिजल्ट चेक करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि कितने मार्क्स उन लोगों के बन रहे हैं। यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन की बात की जाए, नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स बढ़ेंगे या घटेंगे, तो अभी नॉर्मलाइजेशन होगा उसमें नंबर 5 या 10 नंबर बढ़ भी सकते हैं और घट भी सकते हैं, ये डिपेंड करता है कि कैसा पेपर का लेवल था। अगर इजी टू मॉडरेट लेवल का पेपर होगा तो नॉर्मलाइजेशन होगा, और नॉर्मलाइजेशन के बाद में एक आपकी सेकेंड लिस्ट जारी की जाएगी, उसमें आप अपने आप को चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे जिन लोगों का नाम है वो लोग अपना रेस करना स्टार्ट कर दें, फिजिकल और डीवी के लिए अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट कर दें। ठीक है, तो जिन छात्राओं को ये वीडियो अच्छा लगा सभी लोग चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दें, क्योंकि बहुत सारे लोग काफ़ी समय से इंतज़ार कर रहे थे कि यूपीएसआई एएसआई का रिजल्ट कब घोषित किया जाएगा, और यहाँ पे घोषित कर दिया गया है। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।